होगी गिरफ्तारी के हवाले से? जी, उसके लिए एफआईए जो है मुतालिका महकमा है, उसमें एफआईए परसू करेगा, उनके वारंट इशू किए जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनको मुल्क लाने के लिए एफआईए अपना रोल अदा करेगा। रेड वारंट इशू किए जाते हैं, उसके बाद उनको लाया जाता है, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि जिस मुल्क में वो हैं वो मुल्क भी तआवुन करे और उस मुल्क की भी रजामंदी शामिल हो। अगर बरतानिया इनकार कर देता है या तआवुन नहीं करता तो ऐसी सूरत में नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा को वापस नहीं लाया जा सकेगा। अच्छा, राजा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आप जरा हमें प्रोसीजर समझा दीजिएगा, क्योंकि नवाज शरीफ मरियम नवाज दोनों बाहर हैं, खुद आ जाते हैं तो गिरफ्तारी तो हो जाएगी, लेकिन इन्हें लाया कैसे जाएगा? एक और चीज ऐड कर दूं कि एहतसाब अदालत ने अपने जजमेंट में यह भी कहा है कि ये साबित हो गया है कि ये अपार्टमेंट 1993 में शरीफ खानदान की मलकियत में थे। ठीक है जी, राजा आमिर अब्बास साहब जी, सर पासपोर्ट होल्ड करते हैं मियां साहब भी और मरियम बीबी भी, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर ये वहाँ पे हैं तो इनको लाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। एफआईए के जरिए, इंटरपोल के जरिए एक तरीका कार है। दूसरा तरीका कार जो होता है वो ये होता है कि फौरी तौर पर उनके पासपोर्ट्स यहाँ पर कैंसिल कर दिए जाते हैं। जब पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है तो वहाँ पे उनके रहने का जवाब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनका स्टे पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेसिस पे है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान उनके पासपोर्ट कैंसिल करती है और एफआईए से यहाँ से उनको भेजती है, और इवन एफआईए की टीम खुद भी जाके वहाँ के होम डिपार्टमेंट से अगर इजाज़त ले तो इन्हें वापस ला सकते हैं। ये कुछ इतना मुश्किल काम नहीं होगा, बिकॉज वो उनके बच्चों की हद तक मुश्किल था, इनकी हद तक जायदाद की जब्तगी का जो हुक्म है वो, उस पर अमल दरामद कैसे होगा? वो एक थोड़ा सा टेक्निकल काम होगा, क्योंकि उसमें वहां में देखना है कि लंदन लैंड रजिस्ट्री में ये जो फ्लैट्स हैं ये रजिस्टर्ड हैं नेल्सन एंड नेस्कॉम के नाम पे। अब वहां से देखना ये है कि नेल्सन एंड नेस्कॉम के जो ट्रस्टी हैं, हमारी अदालत ने तो कह दिया, लेकिन उधर भी हमें साबित करना होगा कि हसन और हुसैन इसके नहीं बल्कि गवर्नमेंट, और उसमें ये लेके जाएंगे कि एक डिग्री आ गई है, एक फैसला आ गया है पाकिस्तानी अदालत से। क्योंकि जब एक मुल्क की अदालत एक फैसला करते हैं, इम्प्लीमेंट कराने के लॉज हैं, दूसरा मुल्क उसको इम्प्लीमेंट करता है, पर्टिकुलरली कि जब वो उसी मुल्क के शहरी हो। बरतानिया में अक्सर ऐसे होता है कि पाकिस्तानी कुछ अगर नारकोटिक्स में पकड़े जाते हैं, उन्हें अगर वहाँ सजा होती है तो वो उनकी प्रॉपर्टीज और अटैच कराते हैं। तो ये असल चीज होगी कि ये गवर्नमेंट इसको कितने सीरियसली परसू करती है। अगर वो नहीं आते तो डिपेंड करता है। अच्छा, हमारे साथ ही रही, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल ने नाग ने सॉरी इस वक्त गुफ्तगू की है मीडिया से बाहर निकलने के बाद, क्या कहना है जरा सुनिए। मोहम्मद नवाज शरीफ सबक वजी अजम पाकिस्तान, जो कि इस एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला आज तीन रेफरेंसेज में से एवनफील्ड रेफरेंस जो रेफरेंस नंबर 20/2017 है। हुकूमत वक्त के ऊपर ये डिपेंड करता है। अच्छा, हमारे साथ ही रही, क्योंकि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने नैब ने सॉरी इस वक्त गुफ्तगू की है मीडिया से बाहर निकलने के बाद, क्या कहना है जरा सुनिए। मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, जो कि इस एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला आज तीन रेफरेंसेज में से एवनफील्ड रेफरेंस जो रेफरेंस नंबर 20/2017 है उसका फैसला आया है। उस फैसले के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ £1 मिलियन जुर्माने की सजा कोर्ट ने आयद की है। इसके साथ ही साथ ने तमाम एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को फेडरल गवर्नमेंट के हक में जब्ती का आर्डर जारी किया है। इसके साथ मुलजम मरीम नवाज को 7 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई। ठीक है, डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब वो सजा जो सुनाई गई है वो पढ़कर बाहर बता रहे थे, मीडिया के नुमाइंदगान को आगाह कर रहे थे। नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा, साथ ही £8 मिलियन जुर्माना, मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा और साथ £2 मिलियन जुर्माना उन पर आयद किया गया है। कैप्टन सफदर को 1 साल की सजा, जबकि उनकी
गिरफ्तारी के लिए जो टीम है नैब की वो मानसहरा रवाना हो गई है। मानसहरा में मौजूद थे आखिरी इतलाक तक। कैप्टन सफदर एक साल की सज़ा दी गई है कैप्टन सफदर को, जबकि मरियम नवाज को जाली दस्तावेजात देने और मुआवनत करने और गलत बयानी झूठ बोलने पर 7 साल की सजा सुनाई गई है। ज़ुल्कनैन हैदर से के वाले से बात करेंगे। ज़ुल्कनैन हैदर से, जी ज़ुल्कनैन बताइएगा, टीम रवाना कर दी गई है मानसहरा में? जी बिल्कुल, ये फैसले से पहले ही लैब की जो टीम है लैब केपीके को हिदायत कर दी गई थी कि टीम जो है मानसहरा भिजवा दी जाए, क्योंकि कैप्टन सफदर जो है वहाँ पे एक जलसे से खिताब भी कर रहे थे और उस दौरान लैब को ये इल्जाम मसूल हुई थी। तो फैसले का इंतजार किया जा रहा था। इस वक्त लैब की जो टीम है वो मानसहरा में मौजूद है, जो किसी भी वक्त कैप्टन सफदर को बाहर कर लेगी। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रॉपर इंतजाम किए जा चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि कैप्टन सफदर को इस्लामाबाद अदालत की जानिब से 1 साल की सजा दी गई है, क्योंकि इससे जो कैप्टन सफदर का किरदार था वो स्थाई महदूद था कि जो इन्होंने बयान हल्की जमा कराया था उससे उसने दस्तखत किए थे। लेकिन जेआईटी ने उससे जब ये पूछा था कि आपने ये दस्तखत किए तो क्या आपने ये पढ़ा है, इसमें कौन कौन सी जायदाद है, तो उसने कहा था ये मुझे मालूम नहीं है, मरियम नवाज ने मुझसे ये दस्तखत कराए थे। और वही बयान जो है जेआईटी ने साहब अदालत में भी पेश किया, उसकी बिना पे इसके कम किरदार होने की वजह से इनको 1 साल की सजा सुनाई है, जबकि मरियम नवाज जो है बेनिफिशियर ऑनर है एवनफील्ड अपार्टमेंट की, उनको 7 साल की सजा सुनाई और 2 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी दिया। और नवाज शरीफ जो है जिनके बारे में ये कहा गया था उन्होंने ये बेनामी जायदाद जो है वो रखी है और उस इल्जाम पर उनको 10 साल की सजा। ज़ुल्कनैन, कोई वेयर अबाउट्स पता है कैप्टन सफदर की? कहा ये तो मालूम है वो मानसहरा में है, लेकिन ये मालूम है कि मानसहरा में एग्जैक्टली वो है कहाँ? जी, ये एक बांद्रा गांव है, वहाँ पर आज इंतखाबी जलसे के हवाले से उनके हल्के में जलसा था, वहाँ से उन्होंने खिताब भी किया है। नमाज जुमा के वक्त तक जो हमारे पास आखिरी क्लास आई है कि उस वक्त तक वो मौजूद था। ये भी बता चलूँ कि इस वक्त जो वो गाड़ी यूज करते थे अपनी वो भी यूज नहीं कर रहे, वो अपने एक दोस्त की गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद से लेकर गए हैं और वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपने नंबर भी ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ुल्कनैन हैदर। और ये जो फैसला सामने आया है इसके बड़े सियासी असरात भी हैं। मरियम नवाज भी इसका मतलब है कि इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो चुकी हैं। एन 127 के इंतखाब पर ताहम इसका कोई असर पड़ेगा? बड़ा नहीं पड़ेगा। ये भी है कि अब ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस आते हैं कि नहीं, या फिर जो एक लंबा प्रोसीजर है रेड वारंट वगैरह के इशू के जरिए इसके जरिए इंटरपोल के जरिए बुलाने का, या वो अपनाया जाएगा? राजा आमिर अब्बास हमारे साथ अगर हैं तो हम उनसे इस पर मज़ीद भी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये किस तरीके से इस पर अमल दरामद होगा इस फैसले के हवाले से। और ख़ासतौर पर उन्होंने कहा कि जो जायदाद वाला मामला है वो थोड़ा टेक्निकल है। इसके अलावा मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जो सज़ाएँ हुई हैं 10 साल नवाज शरीफ को, 7 साल मरियम नवाज को, 1 साल सज़ा हुई है कैप्टन रिटायर्ड सफदर को। और ये सूरत हाल आपके सामने हम रख रहे हैं, जबकि नैब की टीम को भी भेज दिया गया है मानसहरा, रवाना कर दिया गया है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के लिए। और साबिर शाकिर इससे पहले हमें तमाम तो सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। एवनफील्ड केस का फैसला सामने आ गया है। ये 4 रेफरेंसेस थे जो पनामा केस के फैसले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मज़ीद इन पर ट्रायल किया जाए। एक रेफरेंस इसाक डार के ख़िलाफ़ था, जबकि 3 रेफरेंस शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। अभी 2 बाकी हैं फैसले आना, 2 रेफरेंसेस के फैसले आना बाकी हैं। एक रेफरेंस जो कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से था उसका फैसला आज सुना दिया गया है। तकरीबन 100 से ज़ायद समातें हुई और आज ये फैसला सुनाया गया। 4 बार ये फैसला डिले हुआ लेकिन ये फैसला सुना दिया गया है। तो हम चलते हैं इस्लामाबाद पैनल की तरफ। वसीम, आप क्या देखते हैं? ये एक्सपेक्टेड था कि सजाएं होंगी जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई, जिस तरीके से खुद केस लड़ा है शरीफ फैमिली ने, लेकिन अब क्या ऑप्शन है, क्या ग्राउंड है? अपील में जाएंगे या शरीफ फैमिली खुद आ जाएगी? क्या खबरें हैं? या उन्हें गिरफ्तारी के लिए फिर कानूनी तरीका इख्तियार करना पड़ेगा? आपने भी कहा, जाहिर है ये डिसीजन तो एक बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान की हालिया तारीख का, एक सबसे बड़ा फैसला, इसको कहें तो गलत नहीं होगा खबरियत के एतबार से। लेकिन जाहिर है इसमें सरप्राइज फैक्टर नहीं था। सरप्राइज फैक्टर सब था अगर ये अगर बरी हो जाते, और यहाँ पर बहुत सारी प्रेडिक्शन भी हुई हैं। साबिर साहब ने ट्वीट किया था सबसे पहले, भट्टी साहब ने जो प्रेडिक्शन लिख कर दी थी वो मोर और लेस वही है कैप्टन सफदर साहब के अलावा, बाकी एग्जैक्टली वही वाली प्रेडिक्शन है। तो ये तो अब हो गया है मामला। अभी 2 रेफरेंसेज बाकी भी है, और यहाँ पर जो माहरीन की ओपिनियन है, कानून की बैकग्राउंड रखने वालों की,
उसके बाद ये लगता है कि अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अब से 10 दिन के अंदर अंदर 16 जुलाई से पहले पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा, वरना मामला बहुत खराब हो जाएगा लीगली। वो ऐसे कि अगर इन्होंने इस पर अपील करनी है हायर कोर्ट में तो 10 दिन के अंदर अंदर ये काम हो सकता है, और उसके लिए उन्हें खुद यहां पर मौजूद होना जरूरी होगा, जिसका मतलब यह है कि जैसे ही वो पाकिस्तान में कदम रखेंगे और जहां से बाहर आएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट का भी मामला नहीं है। तो अब वो मनाजिर आने हैं कैमरे के सामने कि जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे, और मेरा यह ख्याल है, मुझे लगता है कि अगले 10 दिनों के अंदर वो पाकिस्तान आएंगे, वरना तो एक केस फाइनलिटी की तरफ चला जाएगा अपील के बगैर, जो कि मामलात को मजीद खराब कर देगा। तो मुझे तो ये आने वाले कुछ दिनों में ये मंजरनामा लगता है। कानूनी तौर पर तो यकीनन कानूनी तौर पर अगर हम बात करें, शरीफ खानदान की काफी वीक है इस वक्त, लेकिन अगर हम सियासी तौर पर बात करें, नून लीग का जो नजरियाती वोटर है इलेक्शन के इतने करीब, क्या इस फैसले ने उसमें एक नई रूह फूंक दी होगी? देखिए मारिया, मेरा तो ये ख्याल था और मैं इस ख्याल को सॉरी वसीम आपको रोकना होगा, शेख रशीद साहब आपको पता है जब गुफ्तगू करते हैं तो फिर हम सबको जरा सुन के उनकी बात से थोड़े चस्के लेने होते हैं, फिर आपसे उससे मुताबिक भी सवाल भी पूछेंगे। जरा ये हम शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुन ले जी। लेकिन जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने यूं खत लहरा के, मैं सुप्रीम कोर्ट में था, नवाज शरीफ के वकला को कहा कि डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लेटर? उन्होंने कहा यस सर, लेकिन हमारा मौक़िल ये चाहता है कि ये केस, ये कागज़ लगाया जाए। नवाज शरीफ साहब नाहल हुए हैं, मरियम साहबा हुई हैं, मुझे ये मालूम नहीं कि एक साल की सज़ा पे सफदर साहब के साथ क्या मसला होगा, वो सियासी तौर पर नाहल हुए हैं या क्या उनकी सूरत हाल है। पनामा में इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि मरियम साहबा के जाली दस्तखत थे। मरियम साहबा ने एक दिन में जो डॉक्यूमेंट बनाए रूप महल से लेकर लंदन तक, उसी दिन रूप महल में दस्तखत हुए और उसी दिन लंदन में दस्तखत किए जाली अस्टाम बनाने के, जाली डेटिंग थी। ये सारा काम नवाज शरीफ खुदा की पकड़ में आया, ये अल्लाह की पकड़ में आया और नामूस रसालत की पकड़ में आया। ये चोर 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 खेल के, ये चोरी से जो ख़त्मे नबूवत के मसले में ये वेस्टर्न वर्ल्ड को खुश करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं थी। आज मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की तारीखी, मैं तो इसको समझता हूँ, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब फैसले के बाद अपना जो नज़रिया है, अपने जो ज़ाती राय है, सियासी पोजीशन है, उस हवाले से आगाह कर रहे थे। वापस हम चलते हैं अपनी ट्रांसमिशन की जानब, क्योंकि ऑफ कोर्स में भी कानूनी बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन सियासी पहलू इस वक्त इसका सबसे आगे, इसलिए क्योंकि इलेक्शन अब से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। तो वसीम, सवाल मेरा ये था, नई रूह फूंक देगा क्या आज का ये फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वोटर के लिए? राय है, लेकिन मेरी इसमें राय है कि इस फैसले में ये पूरे का पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर इस पर अपने हवाले से ही काम करे तो इसको अपने लिए सिंपथी कह ले या जो भी इसको टाइटल दे दे, लेकिन वोट में इंक्रीज का सबब बन सकती है। अगर इस पर सही अंदाज में वो सियासत ना करें, सही में उनके एंगल से कह रहा हूँ ना करें, तो इसमें पूरे का पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि इट कैन गो दी अदर वे राउंड, और कैंप में इतनी मायूसी फैल सकती है कि अब तो वो लीडर ही नहीं रहा, वो भी जेल चला गया, मरियम भी जेल चली गई, अब तो ये पार्टी, अब तो सब लोगों के खिलाफ है इसके, अब नवाज शरीफ को वोट डालने का फायदा नहीं है, उसे जीतना नहीं है, वोट जाया हो जाएगा। दोनों पोटेंशियल है, पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि नून लीग इसको अपने हक पे कैश करा सके। डिपेंड्स कि वो कैंपेन किस तरीके से होती है, जेल से किस तरीके से कैंपेन चला सकते हैं, कितना मोटिवेट कर सकते हैं, कितना मोबिलाइज कर सकते हैं अपने कारकुनान को। बैरिस्टर एहतिशाम की जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं। बैरिस्टर एहतिशाम साहब, अभी तो ये एक रेफरेंस का फैसला आया, मजीद 2 रेफरेंस के हवाले से भी फैसले आने हैं, तो मुझे बताया गया है कि हमारे साथ नहीं है, आपको आवाज आ रही है बैरिस्टर साहब? ठीक है, आफ्ताब बाजवा साहब, आफ्ताब बाजवा साहब आप सुन सकते हैं मुझे? आप बताइएगा, ये जो मामला है कि 10 रोज में अपील कर सकते हैं, तो ये टाइम है शरीफ फैमिली के पास इसके लिए? आपके ख्याल में अगर नहीं आते हैं तो ये अपील का हक भी खो देंगे वो, और उसके बाद जो 2 रेफरेंसेस का फैसला आना है कमोबेश, फिर उसमें भी इसी नौयत के फैसले आ सकते हैं, जो सजा मजीद बढ़ सकती है शरीफ फैमिली की?
देखिए सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये सलाह जो 10 साल दी है ये कम है सलाह। देखिए पटवारी तहसीलदार या थानेदार कोई बात करता है तो उसको आप 14 साल सलाह देते हैं, उसकी मूवेबल एंड अनमूवेबल ये जायदादें जब्त कर दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपार्टमेंट्स की जब्ती का हुक्म हुआ है, यहाँ पे जाती उम्रा की जब्ती का क्यों नहीं हुक्म हुआ? ये सारी जायदादें जब्त होती है। बाजवा साहब आपको इंटरप्ट यहाँ पे करूंगी क्योंकि अपडेट आ रही है और उसमें ये भी हम इंक्लूड कर दें कि मरियम नवाज को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही कैप्टन रिटायर्ड 10 साल के लिए नाअहल किया गया है। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज को 10 साल के लिए नाअहल किया गया है। मैं तस्दीक कर दूं सजाएं उनकी 7 साल और इसका मतलब है कि ना सिर्फ इस इंतखाबी अमल से बल्कि जो अगला इंतखाबी अमल भी होगा उससे भी मरियम नवाज को बाहर कर दिया गया है। तहम इससे इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जमात के अंदर फैसले नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमने देखा है कि अदालती नाअहली के बाद बहुत सारे लोग जो है वो फिर भी अपनी जमात के अंदर मौजूद हैं और बड़ा फाल किरदार अदा करें, लेकिन टेक्निकली अब वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। हालांकि उन्होंने यहाँ पर कवरिंग कैंडिडेट उनके मौजूद है 127 में, इलेक्शन के अमल पर फर्क नहीं पड़ेगा, कवरिंग कैंडिडेट उनकी जगह ले लेगा। लेकिन 2018 के बाद जो अगला इलेक्शन आएगा उसमें भी मरियम जो है वो नाअहल होंगी और उनके खावन कैप्टन सफदर भी 10 साल के लिए नाअहल है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो ताउम्र नाअहल हैं ही जब तक कि कवानीन में कोई तब्दीली ना कर ली जाए। तो बाजवा साहब अपील में क्या ऑप्शन रह जाता है नवाज शरीफ शरीफ फैमिली के लिए? आप देखिए अब तो एक तो फैसला आ गया केस का और इसमें अब नैब के पास भी एक है कि वो भी इस सजा को बढ़ाने के लिए अपील कर सकते हैं। अगर मियां साहब 10 दिन के अंदर नहीं आते तो बाकी जो रेफरेंस हैं वो उनमें इनको इश्तहारी करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जब वो इश्तहारी हो जाएंगे 87 की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तो 88 की कार्रवाई ज़ाब्ता फौजदारी की होगी जिसमें ये जाती उम्र समेत जितनी उनकी जायदादें हैं वो सारी की सारी जब्त कर ली जाएगी और फिर इनको नीलाम कर दिया जाएगा। अब मैं समझता हूँ इस केस में भी यही फैसला आना चाहिए था कि जितनी भी उनकी जायदादें हैं सारी की सारी जब्त होनी चाहिए। हमेशा जब भी मैंने साफ कोर्ट में देखा है और बहुत सारा काम भी किया है वहाँ पे, हमेशा कोर्ट फैसला करते हुए तमाम जायदाद का हुक्म देती है। ये जुर्म की है, जुर्म की सजा जो है पूरी जायदाद होती है। अब पटवारियों की जायदादें तो पूरी जब्त हो जाती है, थानेदारों की जब्त हो जाती है। ये मुल्क का एक लीडर है जिसने इतना बड़ा जुर्म किया है, पूरी कौम को लूटा है, इसकी सारी तमाम की तमाम जायदादें जब्त होनी चाहिए थी। इसके मुतालिक नैब को अपील करनी चाहिए कि इसकी सजा बढ़ाई जाए, 14 साल की जाए और इसको साथ इसकी जो बाकी जायदादें हैं वो भी जब्त करने का हुक्म दिया जाए। ये आप रह गए बाकी इलेक्शन से तो ये फारग हो चुके हैं। बाकी मैं आपके प्रोग्राम में बताता चलूँ, आने वाले दिनों में देखना कम अज कम 20 से 25 एमएनए के जो लोग हैं तैयार बैठे हैं जो छोड़ देंगे इनकी सीट। ठीक है बाजवा साहब, आगे करेंगे खबर शेयर करेंगे एवनफील्ड की में। जब ये फैसला सुना गया उसके बाद कारकुनान पहुंच गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमने सामने आ गए हैं कारकुनान। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं लंदन से, ये एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर की सूरत हाल है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आपस में उलझ रहे हैं। हम ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे से अलकलामी भी हो रही है। फैसला सुनने के बाद की सूरत हाल है, ये रिएक्शन वहाँ से सामने आ रहा है। फरीद कुरैशी हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे इस पर मजीद बात कर लेते हैं। फरीद आगा कीजिएगा, ये क्या हो रहा है और कारकुनान आपस में उलझ पड़े हैं, क्या वजहात है फैसला इसकी वजह है? फैसला आने के फौरन बाद यहाँ पे पीटीआई के कारकुनान और नून लीग के कारकुनान आपस में उन्होंने नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद एक दूसरे से गुस्सा गुस्सा हो गए और एक दूसरे को सख्त जुमलों का तबादला भी किया आपस में। फैसला आने के फौरन बाद ये मामला यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और अभी यहाँ पे कारकुनान की मजीद तादाद की आमद भी मुतवक्के है। जब मियां नवाज शरीफ यहाँ से बाहर निकलेंगे अस्पताल जाने के लिए या मीडिया से बात करने के लिए, उस वक्त भी खदशा है कि इनका आपस में कोई झगड़ा ना हो जाए। इसकी वजह से यहाँ पे मीडिया भी बड़ी तादाद में मौजूद है, आलमी मीडिया के लोग भी मौजूद हैं और डिपार्टमेंट के बाहर इस वक्त लोगों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं मनाजिर में कि पीटीआई के कारकुनान और नून लीग के जो कारकुनान हैं वो आपस में सब जुमलों का तबादला करते हुए एक दूसरे से झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद वक्ती तौर पे उन्हें वहाँ से भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पे झगड़े का खदशा मौजूद है क्योंकि सड़क के दोनों कोनों पर नून लीग और पीटीआई के कारकुनान जो है वो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। जी फरीद कुरैशी हमें आगाह कर रहे थे, मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं लंदन से। फैसला सुनने के बाद रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, फिलहाल वहां से कारकुनान को हटा दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल सरदार टेक्निकल हाउस। मैंने अपनी बाकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं।